ओनली फॉर बेदिंग नॉट फॉर टॉयलेट, ये ध्यान रखिएगा। बाथरूम का मतलब डब्ल्यूसी नहीं है यहाँ पे, ओनली फॉर बेदिंग, आप सिर्फ नहा सकते हैं, बट इट शुड नॉट बी यूज फॉर डब्ल्यूसी, ठीक है, टॉयलेट के लिए यूज नहीं करना सकते, प्लीज कैन बी मेड ओवर हेयर। अगर ये चीजें यहाँ पे है तो ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे ये चीज नहीं है, सपोज यहाँ पे टॉयलेट आ गया, अगर आपका बाई चांस किसी का टॉयलेट अगर यहाँ पे आता है, तो यानी कि टॉयलेट आने से क्या क्या रिजल्ट डिमेरिट्स होंगे, एक तो उस आदमी के रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आएगी कि पता नहीं मेरे रिलेशन बनते हैं और कंटिन्यू नहीं रह पाते, कुछ दिन बनेंगे थोड़े दिन बनेंगे फिर रिलेशन खराब होने छोड़ जाते हैं, मेरे बॉस से मेरे रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं रहते, मेरे कलीग से रिश्ते अच्छे नहीं रहते, घर में रिलेशन अच्छे नहीं रहते, डिस्टर्बेंस रहता, मैं कितना भी सोशलाइज होने की कोशिश करूँ मेरा सोशलाइजेशन नहीं पाता, ठीक है। दूसरा क्या है कि कहीं ना कहीं आप ये महसूस करते हो कि आपको वो इज्जत नहीं मिलती जो आपको इज्जत मिलनी चाहिए, ठीक है, जो हम डिजर्व करते हैं वो रिस्पेक्ट आप नहीं मिल पाते अगर आपका यहाँ पर टॉयलेट आ जाता है, तो उससे ये प्रॉब्लम आपको आती है। तो वन शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ टॉयलेट ओवर हेयर। जिनका इसमें बेडरूम होता है, बेडरूम इफ इट इज ऑफ अनमैरिड पर्सन तो चल सकता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन फॉर मैरिड पर्सन बेडरूम इज नॉट गुड एट ऑल। यहाँ पे अगर मैरिड कपिल का बेडरूम होता है, पति पत्नी का बेडरूम होता है, तो उनकी लाइफ डिस्टर्ब बहुत रहती है, उनकी रिलेशन भी अच्छे नहीं रहते और लाइफ में डिस्टर्बेंस रहते हैं। Then साउथ ईस्ट इज बेस्ट प्लेस फॉर किचन, सबसे बढ़िया जगह होती किचन के लिए। यहाँ पे अगर आपकी किचन बन गई है तो ये इंश्योर करती है कि बहुत सारी कमियों के बावजूद भी फाइनेंस बहुत ज़्यादा खराब नहीं हो सकता, फाइनेंस पार्ट हमेशा अच्छा रहता है। इलेक्ट्रिक मीटर तो अच्छा सर, स्टोर फॉर ऑयल घी वो तो किचन का पार्ट ही होता है। अगर तुलसी प्लांट इट इज ऑल्सो गुड ओवर हेयर। यहाँ पर क्या है क्या नहीं होना चाहिए, ये है तो बहुत अच्छा है, अगर यहाँ पे किसी का वॉशरूम आ गया, चाहे वो टॉयलेट बना दिया चाहे वॉशरूम बना दिया किसी ने, साउथ ईस्ट में अगर ये बन गया तो समझ लो एक तो फीमेल्स के हेल्थ इश्यूज आने शुरू होंगे, उस घर में जो फीमेल्स होंगी उनको हेल्थ इश्यूज आने आने हैं, घर की स्त्रियाँ बीमार रहेंगी। दूसरी बात क्या है कि पैसा डूबने के चांसेस रहेंगे, पैसा आते आते पैसा रुकेगा या उतने ज़्यादा पैसे नहीं आएगा अगर हिसाब से आना चाहिए, मुश्किल से पैसा आएगा, ठीक है। थर्डली क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा डाउन रहेगा, आप किसी से बात करोगे कोई काम करोगे आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा कि मैं कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, है ना। कई बार अपने को ऐसा होता है किसी से बोलने जाना पड़ता है, किसी से बात करनी होती है या कोई काम करना होता है तो हम कॉन्फिडेंस ही नहीं कर पाते कि यार पता नहीं हम कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे, करूँ ना करूँ, है ना, वो सीन रहेगा। यानी कि आपको इस तरीके के इश्यूज हैं, या फिर आपको लगता है कि घर के लोगों में या आपके बाहर छोटी छोटी बातों बिना बात के रिलेशन खराब होते हैं, तू मैं हो जाती है, कलेश रहता है, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर आपका वॉशरूम है या ब्लू कलर है या ब्लैक कलर है तो ये होनी होना। आप सब लोग अपने अपने घरों में चेक कर सकते हो कि आपके यहाँ पे क्या कलर है, ठीक है, क्योंकि आपके घर का आपको पता होगा। तो ये कभी भी नहीं होना चाहिए, पानी की टंकी, ओवर हेड वाटर टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, इस डायरेक्शन में पानी इसका दुश्मन है, अगर पानी दुश्मन होते ये सबको पता है, ठीक है, पानी हमेशा आपको बुझाता है, तो जो बुझाता है वो तो दुश्मन हो ही गया, ठीक है। तो ये अगर एक साथ रहते हैं तो दिक्कत होती है। अब एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम जो होती है वो ये होती है कि किचन में क्या होता है, ये हमारी गैस होती है और ये हमारा सिंक होता है, है ना। जनरली जो बिल्डर फ्लैट्स होते हैं उनमें यही होता है कि ये गैस रखिए इधर हमारा सिंक हो गया। अब क्या हो गई, एक लाइन में आग और पानी हो जाते हैं, जब भी एक लाइन में आग और पानी होंगे तो वहाँ क्या है, छोटी छोटी बातों की बड़ी बड़ी बातें बनती हैं। कई बार आपको ऐसा लगता है कि बात तो बहुत छोटी सी थी, इतनी तो कोई बड़ी बात मैंने कही भी नहीं थी, जितना इतना घर में बवंडर मच गया इतनी बात का, छोटी सी बात थी, बॉस ही नाराज हो गए, मैं तो कुछ कहा भी नहीं था, ऐसा कई बार अपने को लगता है ना, कहा तो कुछ नहीं था बात इतनी बड़ी हो गई। छोटी छोटी बातों पे जो तू तू मैं होती है वो सब होता है, उसका रीज़न यही रहता है कि आग और पानी अगर पास पास होते तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ये कभी पास पास नहीं होनी चाहिए। वो मैं बताऊँगा आपको कि सिंक की फॉर्मेशन हमें कैसे करनी चाहिए, सिंक किधर लगाना चाहिए, यह गैस और फ्रिज आपके पास पास हो जाता है।